दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? और मेरे YouTube चैनल बाबुल दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैंने थोड़ी सी तबीयत मेरी बेटर है, सारे घर के काम फिनिश कर दिए हैं, पर रुक रुक कर मैंने किए हैं। मेरे फेस से आपको लग रहा होगा कि इसमें मैं थोड़ी सी दुबली हुई हूँ और चिक्स वगैरह मेरे सब अंदर चले गए हैं, तो मुझे इसमें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल भी मैं खाना नहीं खाती हूँ। बस सुबह एक एप्पल खाई थी और उसी से मैंने एक ही एप्पल से मैंने दोनों बेटियों को दिया था और एक बाइट मैंने खुद ली थी और फिर उसके बाद थोड़ा सा पोहा मैंने खाया, क्योंकि जब मैं खुद बीमार हूँ तो मेरा खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और ना ही मैं बना पाती हूँ और मैं बना भी नहीं पाती हूँ, इसमें थक जाती हूँ बहुत जल्दी। लेकिन बेटियों का मुँह देखते हुए लगता है चलो आज कुछ बनाते हैं। तो कल मैंने सिंपल दाल चावल बनाया था और आज सुबह मैंने बच्चों से पूछा आज क्या खाओगे, तो मेरी बड़ी बेटी को चना की दाल में लौकी डालकर बहुत पसंद है, बिल्कुल सब्जी जैसे बनती है वो, तो बोली माँ आज वो आप बना लीजिए, मसाला लौकी बना लीजिए और उसके साथ चावल जीरा राइस बना लीजिएगा और रोटियाँ मत बनाना आप थक जाओगी, ऐसे बोलती है। फिर आज मैं उनको गेट तक ड्रॉप करने भी गई और फिर वो दोनों स्कूल चली गई। स्कूल से आती हैं मेरे से पूछेंगी माँ आपने कुछ खाया, और फिर उसके बाद अगर मैंने हाँ या नहीं जो करती हूँ तो उसके बाद वो बड़ी बेटी मेरी मुझे चाय देगी, पानी देगी, और छोटी बेटी माँ मैं आपका सर दबा दूँ ऐसे अक्सर बोलती है, अगर बोल दो हाँ बेटा दबा दो तो बस एक बार दो बार दबाएगी फिर कहेगी माँ ठीक हो गया, ऐसे अक्सर वो बोलती है। थोड़ी सी वो चंचल बहुत है लेकिन काम नहीं करती है और मैं उससे कराती भी नहीं हूँ। अभी मात्र 7 साल की है वो, बहुत छोटी सी है। और जब मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी तो मैं उसका अपने हाथ से खाना खिलाती थी और मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार किया है, बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि जब मुझे बेटा नहीं है तो मुझे मेरे ही रिश्तेदारों से, मेरे कुछ अपने खास रिलेटिव से अक्सर सुनने को मिलता है लड़कों नहीं है, हम कहते नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि लड़का होना क्या इतना ज़रूरी है। मैंने कहा मेरी बेटियाँ ही मेरी बेटा है, तो बहुत से लोगों को तो अच्छा लगता है सुन के और बहुत से लोग सुन के मेरी सोच को गलत बताते कि नहीं जब बेटियाँ आपकी बड़ी हो जाएंगी, शादी हो जाएगी तो आप अकेली रह जाओगी। मैंने कहा अकेले तो मुझे वैसे भी रहना है, बेटे आते हैं तो कौन सा साथ देते हैं, बहुएँ ले लेके अलग हो जाती हैं, तो ऐसे ही लाइफ बस कट रही है। लेकिन हाँ मैं सोचती ज़रूर हूँ कि जब मेरी बेटियाँ सेटल हो जाएंगी तो मैं अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करूँगी आगे, कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाऊँगी। तो मैंने अभी से सोच रखा है कि मैं किसी अनाथ आश्रम को ज्वाइन कर लूँगी और प्लस मैं घूमती रहूँगी, ट्रैवल करती रहूँगी, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं जिम्मेदारियों की वजह से कहीं नहीं जा पाती हूँ। इस समय मेरा हरिद्वार जाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे वहाँ की गंगा जी बहुत बहुत पसंद है और आज तक मैं नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ उसको नेट में या टीवी में या लोगों से सुना है ये लोगों से मैंने सिर्फ सुना है कि वहाँ की गंगा जी बहुत अच्छी हैं, बहुत साफ़ सुथरी हैं, तो मेरा बहुत मन है, आई होप मैं जा पाऊँ। आप देख रहे हैं मुझे किस तरह से खांसी आ रही है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग आज बना लूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो कमी खलती है कि मेरी इतना बड़ा मेरा मकान है लेकिन मेरे अगल बगल कोई पड़ोसी नहीं है कि मैं जिससे थोड़ी देर के लिए अपने बात कर सकूं, अपना मन बहला सकूं, कोई भी नहीं है। फ़ोन में आप वीडियो कितने देखोगे, तो मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। और क्या कहूँ, हाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे ऑनलाइन जो मैं आपको कल दिखलाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसको दिखलाऊंगी भी और उसके बारे में आपको जानकारियाँ भी दूंगी। तो ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाइएगा। मेरे व्यूज़ बहुत बहुत कम जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि रातों रात मेरे व्यूज़ मिलियन में चले जाएँ, लेकिन अच्छी वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, इतना मुझे पता है। अगर कोई वल्गर व्यूज़ वीडियो हो तो उसमें आप देखिए कैसे कैसे व्यूज़ आते हैं, तो लोगों को अच्छी चीज़ें देखना पसंद नहीं होती है। ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सपोर्ट भी कीजिएगा। बाय।